हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस। साथ ही हमारा दूसरा चैनल है एसपीएल डिजिटल क्लब। तो आज हम आपके लिए लाए हैं ऑनलाइन टेस्ट लिए थे उसका सॉल्यूशन, और जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं वो आप क्या करते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेस्ट दे देंगे। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो उसके बाद आप क्या करेंगे, पूरा वीडियो देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था मैथ का 25 क्वेश्चन, पहले जीके और करंट अफेयर का देखेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन था जड़त्व का नियम क्या, किसने दिया? तो जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो ने, याद रखेंगे, जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो ने, और न्यूटन के गति का प्रथम नियम से यह संबंधित है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम। जड़त्व का नियम क्या है, इसको दिया था गैलीलियो ने, और ये न्यूटन गति के प्रथम नियम को भी कहते हैं, लेकिन जड़त्व के नियम का खोजकर्ता क्या गैलीलियो कहा जाएगा, न्यूटन को नहीं कह सकते हैं। और न्यूटन किसी देखेंगे किसी भी पदार्थ का या किसी भी वस्तु का जड़त्व जो होता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा जड़त्व भी क्या होगा उसका अधिक होगा, मतलब क्या होगा जड़त्व का संबंध द्रव्यमान से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन दो में किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर संवेग क्या होगा। तो हम देख लेते हैं वेग और संवेग में संबंध। तो हम जानते हैं संवेग बराबर था द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहां पर क्या कहा है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर, अब हम क्या करते हैं पी डैश जैसे हम निकाल रहे हैं, देखेंगे क्या कह रहा है, वेग को आधा करते हैं, जो पहला वेग था उसका आधा वी बाय टू, तो हम क्या देखते हैं एम वी बटा टू। तो ये एम बी क्या था आपका पी है, तो पी बटा टू। तो क्या था, जब भी हम वेग क्या करेंगे वेग को आधा करेंगे संवेग भी क्या हो जाएगा आधा, क्योंकि दोनों समानुपाती होता है। तो जैसा क्या करेंगे संवेग को जितना गुना करेंगे वेग भी उतना ही गुना होगा, या वेग को जितना गुना करेंगे संवेग भी उतना ही गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दो के जी द्रव्यमान के पिंड पर कितना बल लगा है कि उसमें 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो। तो देखते हैं, दिया हुआ आपका 2 kg द्रव्यमान, अर्थात दिया हुआ m बराबर 2 kg, कितना बल लगाया जाए, अर्थात क्या आपका फोर्स एफ क्वेश्चन आपका, और उसमें क्या कह रहा है त्वरण कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण, यानी आपका a बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम देखेंगे f क्या, एफ एम और एफ एम ए में संबंध, तो हम जानते हैं क्या होता है एफ बराबर एम ए, मतलब बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो यहां से देखेंगे 2 kg गुने 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10 kg प्रति सेकेंड स्क्वायर, और हम जानते हैं बल का ऐसा ही मात्रक होता है आपका न्यूटन, तो क्या हो जाएगा 10 N। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है, एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया है 40 मीटर नीचे गिरने पर उसकी चाल क्या होगी। तो इसके लिए स्पेशल हमारा वीडियो अपलोड कर देंगे। तो देखते हैं क्या, किसी मीनार बताएं किसी पदार्थ को जब ऊपर से नीचे गिराते हैं तो क्या होता है, यू आपका 0 हो जाता है, यू 0 मीटर प्रति सेकेंड प्रारंभिक वेग होता है आपका 0 मीटर प्रति सेकेंड, और कहा 40 मीटर नीचे आने पर, मानते यहां से यहां तक ये ऊंचाई आपका 40 मीटर, हाइट गिरा 40 मीटर, तो उसकी चाल क्या हुई, इस समय यहाँ पर भी बराबर क्वेश्चन। तो हम जानते हैं जब ऊपर से नीचे आती है, तो यहाँ पर देखेंगे तीनों सूत्र के द्वारा हम देखेंगे इन तीनों के बीच संबंध। तो हम जानते हैं भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, जब ऊपर से नीचे आएगी तो प्लस 2gh, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस 2gh। अब हम देखते हैं यू का मान आपका 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुने जी का मान कहा नहीं गया, मतलब 9.8 का प्रयोग करेंगे, गुने हाइट कितना आपका 40 मीटर, तो दशमलव हटाएंगे 10, 10 चौके 40, हम देखेंगे क्या होगा आपका 2, ये 0 हो जाएगा तो छोड़ देते इसको हम, 2 गुने 49 के देखेंगे 2 गुने
सात गुने सात, फिर देखेंगे चार का दो गुने दो, तो यहाँ समझा देते हैं भी क्या होगा, इधर रूट आ जाएगा स्क्वायर रख के, मतलब जोड़ा लगा के लेंगे एक दो तो, फिर एक सात और फिर एक दो, तो हम कह सकते हैं क्या 28 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर की ऊंचाई पर उसका वेग होगा 28 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर ऊंची हो तो उसकी शक्ति ज्ञात करना। तो शक्ति बराबर हम जानते हैं कार्य बटे समय, तो यहां पर हम देखेंगे कार्य के लिए आप लगा सकते हैं स्थिति ऊर्जा, तो हम जानते हैं एम जी एच बटे समय का टी। अब हम देखें आपको दिया होता 50 केजी द्रव्यमान अर्थात 50 गुने, जी का मान आपको 10 दिया हुआ तो हम 10 का प्रयोग करेंगे गुने, एच क्या करा 45 सीढ़ी 9 सेकंड में और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, तो 45 सीढ़ी गुने 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो बट्टा 100 हो जाएगा आपका और पूरा बट्टा टाइम आपका 9 सेकंड, 9 बजे 45, देखेंगे 15 बजे 75, 75 बजे 25 और 7 बजे 35, 35 2 37। ये शक्ति कैसा है बात है क्या होगा आपका, यहाँ देखें कार्य बटे समय जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड ऑप्शन के साथ देखेंगे तो जूल प्रति सेकेंड होगा आपका आंसर, वाट भी हो सकता है क्योंकि ऑप्शन में था आपका जूल प्रति सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है, स्पेशल हमारा वीडियो पाचन तंत्र आप देख सकते हैं SPL डिजिटल क्लब पर आपका उपलब्ध है पाचन तंत्र से संबंधित वीडियो, तो उसमें अग्नाशय से निकलता है ट्रिप्सिन एंजाइम, अग्नाशय से हम देखेंगे ट्रिप्सिन एंजाइम तीन प्रकार के एंजाइम निकलता है, ट्रिप्सिन लाइपेज और एमाइलेज, अग्नाशय से निकलने वाला तीनों एंजाइम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक तरंग की आवृत्ति है 200 हर्ट्ज और तरंग दैर्ध्य दिया हुआ आपका 4 मीटर, तो तरंग की चाल ज्ञात करना, तो आवृत्ति आपका न्यू बराबर आपका 200 हर्ट्ज, तरंग दैर्ध्य लैम्डा आपका दिया हुआ 4 मीटर और चाल पूछ रहा भी बराबर क्वेश्चन, तो हम जानते क्या होता है आवृत्ति बराबर होता है वेग बटे तरंग दैर्ध्य, तो यहां से हम देखेंगे वेग क्या हो जाएगा, वेग बराबर आपका हो जाएगा ये आपका गुना हो जाएगा आवृत्ति 200 हर्ट्ज गुने 4 मीटर अर्थात 200 × 800 और वेग कैसा मतलब मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो ये विद्युत धारा से स्पेशल वीडियो आपको हमारे चैनल वाई के मैथ एंड साइंस क्लासेस पे उपलब्ध आप देख सकते हैं, तो क्या होता है किसी चालक की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता यहाँ देखेंगे प्रतिरोध नहीं है प्रतिरोधकता, और एक इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, और इसका व्यासाय मात्रक क्या होता है ओम मीटर, तो यहां पर क्या होता है किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो आर में आपका सूत्र होता है रो एल बटे ए, तो यहां से आपको बताया गया था ये आपका प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है आपका क्षेत्रफल पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या तार की मोटाई कह सकते हैं, चालक की लंबाई पर और चालक की प्रकृति पर, यानी किस पदार्थ का बना है चालक की प्रकृति पर या सामग्री पर भी हम कह सकते हैं, ये सभी आपका प्रतिरोध, और ये हम देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, ये क्या होता है किसी भी चालक के लिए फिक्स होता है, तो ये क्या होता है आपका सिर्फ निर्भर करेगा पदार्थ की सामग्री पर, मतलब किस पदार्थ का वो चालक बना हुआ,
तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा आपका, सिर्फ पदार्थ की सामग्री पर निर्भर करता है। और जब प्रतिरोध हम पढ़ेंगे तो क्षेत्रफल पर, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या मोटाई कहेंगे, लंबाई, और इस पर भी निर्भर करता है आपका पदार्थ की प्रकृति पर भी। तो इसका चूंकि यहाँ पर पूछा गया था प्रतिरोधकता, तो क्या होता है, सिर्फ होता है पदार्थ की सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कब आभासी बनेगा। तो इसके लिए अवतल दर्पण से भी स्पेशल वीडियो ट्रिक है आपका, आसानी से आपका याद हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा आपका, जब क्या होगा अवतल दर्पण के सामने क्या वस्तु, जब क्या होता है फोकस से कम दूरी पर, फोकस से कम दूरी पर कहें, या दर्पण और फोकस के बीच कहें, या ध्रुव और फोकस के बीच कहें, तब वस्तु का क्या होता आभासी और सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट कहते हैं, घरों में सभी विद्युत उपकरण किस क्रम में लगाए जाते हैं। तो घर में जितने भी उपकरण होते हैं वो समांतर क्रम में लगाया जाता है, इसका स्पेशल वीडियो आप देख सकते हैं इसका कारण सहित। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है, थोरियम का भी होता है, और प्लूटोनियम का भी होता है। तो ऑप्शन के आधार पर देखेंगे किसमें होगा, यूरेनियम। नेक्स्ट है, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। तो स्पेशल आवर सारणी का वीडियो आप वहां देख सकते हैं, प्रत्येक वर्ग समूह को अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो वर्ग ग्यारह के जो भी तत्व होते हैं उसे सिक्का धातु कहते हैं। वर्ग एक को क्षार धातु, वर्ग दो को क्षार या मृदा धातु कहते हैं, इसी तरह देख सकते हैं स्पेशल अलग अलग। नेक्स्ट है, समूह दो तथा आवर्त दो में कौन सा तत्व है। तो इसके लिए स्पेशल आप वीडियो देख सकते हैं, वर्ग दो का ट्रिक होता है आपका, ये देखेंगे वर्ग दो में क्या होता है आपका, एक ऊपर छोड़ दे, आवर्त एक को छोड़ के स्टार्ट होता है, देखेंगे वर्ग दो और आवर्त दो बेरिलियम होगा, बी। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको हम कहते हैं खावर सोरा, खाने वाला सोरा, यानी खावर सोरा, बेकिंग सोरा भी कह सकते हैं। और इसका सूत्र होता है NaSCO3, NaSCO3। नेक्स्ट हम देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं। तो हम देखेंगे लेंथेनॉइड, ये एफ ब्लॉक में होते हैं, 4F सीरीज का, ये क्रमांक होता है 58 से 71 तक, क्योंकि ये 57 लेंथेनम होता है, 57 में लेंथेनम के बाद आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया। तो श्वसन क्या, एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, जिसे क्या होता है शरीर को ऊष्मा मिलती है, यानी ऊष्मा का इसमें निर्माण होता है, इसलिए क्या श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, इनमें से त्रिआबंध पाया जाता है। त्रिआबंध देखेंगे हाइड्रोकार्बन, स्पेशल वीडियो आपको हाइड्रोकार्बन का उपलब्ध आप देख सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में पढ़े थे हम, दो पढ़े थे, संतृप्त और असंतृप्त। इसमें पढ़े थे हम सिंगल बॉन्ड का एल्केन का, इसमें पढ़े थे दो डबल बॉन्ड एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जानते हैं, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2, इसका CnH2n होता है, और इसका होता है CnH2n+2। मतलब क्या, कार्बन का हाइड्रोजन की संख्या क्या होनी चाहिए, कार्बन की दुगुना से दो कम होगा तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। ऑप्शन में हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या, कार्बन की संख्या कितना 3 है, हाइड्रोजन कितना 3 × 6 क्या दोगुना से दो कम है, तो मतलब यही आपका क्या है एल्काइन है, मतलब त्रिआबंध इसी में पाया जाता है। और इसमें देखेंगे ये स्पेशल बेंजीन का है, और यहाँ पर देखेंगे क्या था, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या क्या दोगुना है, तो दोगुना होने पर क्या होगा एल्कीन होगा, मतलब द्विआबंध वाला हम कह सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे दोगुना से दो अधिक है, मतलब एल्केन सीरीज का है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट हम देखते हैं,
CH2H5OH में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? स्पेशल आपका यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का जो वीडियो आप देख सकते हैं, OH आपका अल्कोहल का होता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप आपका अल्कोहल है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के प्रक्रम में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? मतलब हम कह सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन से अभिक्रिया इसमें जब कराते हैं उत्प्रेरक होता है निकेल या पैलेडियम, तो क्या बनता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो उसी तरह हम देखेंगे जो यहाँ पर आपका दिया था वनस्पति तेल, ये क्या असंतृप्त वसा है, वनस्पति जो तेल है असंतृप्त वसा है, वनस्पति तेल जिसको रिफाइन भी कहते हैं, और इसी का हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, ये बनता और संतृप्त वसा, और ये क्या होता है आपका कहलाता है वनस्पति घी जिसको डालडा भी कहते हैं, तो क्या होता है जो संतृप्त वसा हमारे लिए क्या होता है हानिकारक होता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोने की शुद्धता जांचने में किसका प्रयोग होता है, तो सोने की शुद्धता जांचने में क्या होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 का प्रयोग होता है, नाइट्रिक अम्ल सोने की शुद्धता जांचने के लिए नाइट्रिक अम्ल HNO3 का प्रयोग होता है, एक्वारेजिया का प्रयोग नहीं होता क्योंकि एक्वारेजिया में सोना भी क्या होगा आपका घुल जाएगा, तो इसलिए क्या यहाँ पर आपका नाइट्रिक अम्ल होगा सोने की शुद्धता जांचने के लिए। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, जो आंवला क्या है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। हम देख सकते हैं इनमें कौन एंजियोस्पर्म है, तो पादप जगत में हम देखेंगे इसमें आपका फेनेरोगैमी के दो भाग में पड़ेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म यानी आवृतबीजी, तो इसका सही आंसर होगा आपका सुपारी। ऑप्शन में देखेंगे तो साइकस, सिकोया, देवदार, और ये तीनों आपका क्या था जिम्नोस्पर्म था यानी नग्न बीजी या अनावृत बीजी, और ये आप देखें सुपारी आवृत बीजी का है या एंजियोस्पर्म, ये पुष्पी पादप होते दोनों अर्थात ये फेनेरोगैमी का उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं पादप जगत का उभयचर, तो पादप जगत का उभयचर यानी एम्फीबिया वर्ग, उभयचर कहते हैं एम्फीबिया वर्ग, तो पादप जगत का उभयचर यानी एम्फीबिया वर्ग होता है आपका ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में किसके अपचयन से ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कहता है जब भी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को हम देखते हैं समीकरण में जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हरित लवक की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये क्या कहता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस जल और प्लस ऑक्सीजन मुक्त करता है, तो यहाँ पर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड के क्या होता है अपचयन से आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है, और देखेंगे जल के उपचयन से आपका ऑक्सीजन, जल के उपचयन से क्या होगा आपका ऑक्सीजन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से ये आपका ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च भी कह सकते हैं बनता है, ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है।
नेक्स्ट है सरीसृप का हृदय अवतार, कि हम जंतु जगत में पढ़े थे सरीसृप जो क्वाड्रेटा संघ का एक वर्ग है, इसमें सरीसृप सरीसृप का हृदय आपका था त्रिकक्षीय। याद रखेंगे मत्स्य, इसी में पढ़ेंगे मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग इसका होगा हृदय दो कक्षीय। सरीसृप और उभयचर दोनों का होता त्रिकक्षीय। और पढ़ेंगे पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग, तो इसमें क्या होता है आपका चार कक्षीय होता। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जीके और करंट अफेयर का क्वेश्चन। अब देखते हैं पार्ट टू, इसमें हम देखेंगे करंट अफेयर जीके। तो क्या करेंगे इसमें जो आपको बता चुके पहले ही अभी बना रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट जो लिए थे उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो जो भी ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं तो क्या करेंगे सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट देंगे, और ये आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका वहां पर लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन टेस्ट का।